अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट, इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे। हमने अपने चैनल में बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो है, ग्रेट एजुकेशनिस्ट जो है, चाहे वो वेस्टर्न है या इंडियन है, उनकी बात की है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी एरिस्टोटल की क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, तो उसमें उसने मेन फोकस दिया है कि एजुकेशन का मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस देना है। जब हम बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता बाकी डेवलपमेंट्स भी हो जाएंगे, जैसे उसमें आपको मेंटल हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट आ जाए, करेक्टर डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। तो क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये एरिस्टोटल की बेहतरीन डेफिनेशन है अबाउट द एजुकेशन। तो इसी तरह से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोक्रेट्स, जो एक ग्रेट फिलासफर थे। तो उसकी जो उसने एजुकेशन को डिफाइन किया है, एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच इज़ लैटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटी इन द इंडिविजुअल विच इज एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिलमेंट हिज पॉसिबिलिटीज। ज़बरदस्त डेफिनेशन है कि उसने यहाँ पर बोला है कि एजुकेशन का मतलब है कि किस तरह से हम उस बच्चे में यूनिवर्सल वैलिडिटी आइडियाज़ डेवलप करें, ताकि उसका जो माइंड है वो डेवलप हो जाए और फिर वो अपनी फिर जो यूनिवर्स है उसमें वहाँ अपना काम कर सकता है, तो अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज़ ऑफ द यूनिवर्सल वैलिडिटी विच इज़ लैटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। तो ये है सोक्रेट्स की डेफिनेशन। थैंक यू अबाउट एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।